କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ସେ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ କଟକରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଯିବି ରଶ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ निश्चित भाव वंदिता जहां आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष पूर्व पूर्वानुमान करा जाए से अनुसार एवं जदि देखिए आप राज्य में गत काली वर्षा आरंभ हो जाए जहां कहु 15 और 16 दुई दिन धरी वर्षार परिमाण अधिक रशेषकर आज कहीपर 15 तारीख में उपकूल ओडिशा रे हेवी रू वेरी हेवी रेनफॉल रो फोरकास्ट करा प्रबल अति प्रबल वर्षा रर्तमान सुधार डाटा रही सका 8:30 पर्यटन जदि आम देखा तेज पूरी रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड करा 31.7 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा से प्रकार गोपालपुर में 20.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा यही सब हूँ आज सका मान गत राति सका 8:30 पर्यंत वर्षा रेकर्ड करा डाटा जहां आम देलु तो एवं जदि देखा राज्य में विभिन्न जगार वर्षा लग रही आप देखुंत आज सका भुवनेश्वर आम अच्छे और सका वर्षा लग रही झिपिझिपि वर्षा राति सारा चली कि सका वर्षार परिमाण वृद्धि पाई जहां कहु 15-16 दि दिन पर्यंत वर्षार प्रभाव अधिक रशेषकर उपकूल ओडिशा रे एवं किछि किछि अंश कहीपरिया दक्षिण ओडिशा रे मध्य वर्षार परिमाण अधिक र तेबे जहां कहुच चाषी मान जो माने खरीफ क्रॉप जो माने करी निश्चित भाव एटा असुविधा करिवो किंतु जो माने रवि क्रॉप करिया को जाउछन से मानक बे एटा भल रहउछि काईना जेतु एबे से माने पुनी चाष करबा को वर्षा वर्तमान आरंभ होई जाइछि एवं चाषी मानक पई मुंड बिंधार कारण होई सारछि रश्मिता आपनको रोकिबा को चाहिबो जीव हम प्रतिनिधि कटक प्रतिनिधि अजय दास को पाखकु अजय वर्तमान कटक रे वर्षार परिमाण कोन केमती अछि देखो तो बंदिता सत कहिले शीत दिन में लघुचाप वर्षा भारी कष्ट ए कष्ट कथा आमे कहुना लोक मैंने कहते कारण काली रातिर बर्षुच कटक आ सका सका जो राजरास्ता कटक जिते मुख्य रास्ता अच्छी प्रायत तो खाँ खाँ लगुच पिला नहीं जो मैंने स्कूल जापत्र जाते एक प्रकार शीतर कुंकुरी होती थरुँच वर्षा तीन टीपा भारी बाधुची कहना शीत टी आरंभ हो जाता कटक पुणी लग रही वर्षा और वर्षा धीरे धीरे बढ़ुची सका जो सतटा बेले आम कथा कौल से झिपझिप वर्षा होता एवं कितु लगा वर्षा चली भल वर्षा होता सहित तुहा तुआ पवन कारण रास्त गला शीत लहरी लगुच गछपत्र एत जोर पवन आरंभ धीरे धीरे हो गला समस्ते आशंका करमती पूर्वानुमान करणिपाग विभाग जदि 4-5 दिन एमती रहे तो निश्चित भाव में हंतसंत हो समस्ते थंडा आसव एक कथा तो पर कथा कि 4-5 दिन के हईराण हे लोक लोक नहीं कि बर्तमान चिंतार पड़ते बर्तमान कटक जो तलिया अंचल गुड़िक अच्छी से चिंतार पड़े धीरे धीरे पा जेहेतु वर्षा बढ़ुची पा निश्चित भाव में जमीब बर्तमान जेहेतु वर्षार परिमाण एते हेई नाही तेणु पा जमीनी से परिमाण रे किंतु रास्ता घाटे एवं पा रहा धीरे धीरे पा बढ़ ऊपर बर्षुची तेणु निश्चित भाव में कटक स्थिति आम जब कह खाली खाँ खाँ लगुच पूरा कटक सहर आतजात निश्चित भाव में कम रही जी वर्षा बढ़ आगक आगे जहाँ पूर्वानुमान रही निश्चित भाव में लोक मैंने आहरी चिंतार रे आहरी हंतसंत हे आउ गोटे कथ हूँ सका सका किसी पर बेपारी मैं भेटू से चिंता कोबी टी पूरा नष्ट क्या कोबी फसल बाहरी आसूला एबे भल रेट रे सेमाने बिकुथिले जेते बळे कोबी उपरे वर्षा माड़ हबो पूरा पूरी नष्ट होई जीवो आगु को निश्चित भावरे कोबी अत्यंत पक्षरे जोटा रेट हबो सेमाने सीधा सळक कहउछंती तने वर्षा लागी रहिछि बंदिता कटकरे निश्चित भाव वर्षा लगी रही है और चाषी मैंने विशेषकर हंतसंत होती आपड़ कहते अजय कोबी फसल क्षति हे और चाषी मैंने जो मैंने अमल करी हईराण हे धान अमल जो करना रश्मिता आपको बर्तमान जी जो स्थित बर्तमान आम कटक देखु भुवनेश्वर तो झिपिझिपि वर्षा सका का रात में कि बर्तमान वर्षार परिमाण टिके बढ़ी कौन आशा करई वर्षा कंटिन्यू कर 18 तारीख पर्यंत टी अधिक मात्रा वर्षा हे देखो
ବନ୍ଦିତା ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ପରିମାଣ କୁହାଯାଉଛି ତାହା 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କହିପାରିବା ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢି ଚାଲିଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ପାଗ ରହୁଛି ଏହା 17 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଅପରାହ୍ନ ପରଠାରୁ 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପରଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ ଏବଂ 18ରେ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଶୀତର ଅନୁଭବ ଅଧିକ ହେବ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶୀତ ବଢିବ ଏବଂ 20 ପରଠାରୁ ଶୀତ ଅଧିକ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତ ବଢିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି।